बेटी बोझ नहीं, ठान लें तो पुरुषों को भी पछाड़ सकती हैं महिलाएं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है झारखंड की रहने वाली धानो ने। इस बेसारा महिला ने वह कर दिखाया जो इस तरह की पीड़ित दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है। धानो वैसे तो निरक्षर, लेकिन इनकी सोच इतनी ऊंची है जो पढ़े लिखे को भी पछाड़ दे। दरअसल धानो के ऊपर संकट का पहाड़ तब उमड़ पड़ा जब उसने एक बेटे को जन्म नहीं दिया। बेटा के जन्म न होने पर ससुराल वालों ने धानो को घर से निकाल दिया। तीसरी बेटी होने पर बेटे की चाहत रखने वाले परिवार ने यह कदम उठाया। धानो ने लगातार तीन बेटियों को जन्म दिया। तीसरी बेटी होने के बाद घर वालों ने धक्के मारकर घर से निकाल दिया। घर से बेघर होने के बाद महिला पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि महिला को पढ़ना लिखना नहीं आता था, जिससे वे नौकरी करने में भी असमर्थ थी। उसके ऊपर तीन बेटियों की परवरिश और भरण पोषण का जिम्मा था। इस गांव में महिलाएं चूल्हा चौका तक ही सीमित रहती हैं। इस कारण थक हार कर उसने मायके जाने का फैसला लिया। यहां उसने मजदूरी करनी शुरू की। मजदूरी से उतने पैसे नहीं मिल पाते थे जिससे पूरे परिवार का भरण पोषण किया जा सके। आखिरकार उसने राजमिस्त्री बनने को ठानी। इसके बाद राजमिस्त्री के साथ काम करते करते वह इस काम में इतनी माहिर हो गई कि अपनी तीनों बेटियों का पालन पोषण वे इसी से करती थी। अब पैसे भी ठीक ठाक आने लगे। अपनी कमाई से उसने दोनों बेटियों की शादी भी कर दी। अब वे अपनी तीसरी बेटी का बखूबी परवरिश कर रही हैं। धानो देवी ने यह सिद्ध कर दिया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कमतर नहीं हैं।